instant video with instant recipe of instant rava idli. Hello, hello, my YouTube loves. Welcome back to my channel. And if you are new here, then welcome to my channel. Hamare ghar mein South Indian food sabko pasand hai. We went to so many restaurants in Jersey, in New York, jahan pe humne South Indian try kiya, but hame na wo मजा नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही साउथ इंडियन फूड की. टोरंटो में मेरे पास एक जगह है मेरी फेवरेट, जहाँ पे मैं हमेशा खाने जाती हूँ, मुझे वहाँ का साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, बट यहाँ पर ना वो मेरे दिल को नहीं छू रहा. तो हमने सोचा अब हफ्ते में 3-4 बार अगर हमें वो डोसा, इडली या कोई भी साउथ इंडियन डिश खाने का मन कर रहा है तो कैसे खाएं और कहाँ कहाँ जाएं. तो द अदर फिक्स वॉज कि हम खुद सीखें कि कैसे बनाते हैं. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इंस्टेंट रेसिपी इन दिस इंस्टेंट वीडियो विच विल नॉट टेक टू लॉन्ग. सो लेट्स गेट इनटू इट. आज हम बनाएंगे रवा इडली, यानी सूजी की इडली, जो बहुत हेल्दी होती है. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है. 3 इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे. मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं कि वो क्या होंगे. सबसे पहले आप सूजी ले लें. काफी लोग होते हैं जो स्पेसिफिक सूजी लेते हैं. आपके पास जो सूजी है घर पे आप वो ले लें. आप उसमें से अगर आप 2 कप सूजी बनाएंगे तो आपकी अराउंड 14-18 इडलीज आराम से बन जाएंगी उसमें, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बड़ी इडली बना रहे हो. मुझे छोटी छोटी पतली सी सॉफ्ट इडलीज पसंद है, तो मैं छोटी बनाती हूँ तो मेरी अराउंड 18 इडलीज बन जाती हैं आराम से. तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आप पहले डालें 2 कप सूजी. 2 कप सूजी के साथ जितनी आपकी सूजी है आप उतना ही दही डालेंगे. सो योर सेकेंड इंग्रेडिएंट इज योगर्ट, दही. अगर आपके पास बाहर का दही है तो आप वो डाल दें, घर का दही है तो और भी अच्छी बात है. आप दही डालें 2 कप, जितनी आपकी सूजी है उतना ही आपका दही जाएगा. आप दही के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर लें. अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा थिक है तो ही आप उसमें पानी डालें, वरना पानी ना डालें. इट्स अ टोटल चॉइस. मुझे लग रहा था मेरा बैटर थिक है क्योंकि मेरा दही भी बहुत थिक था, फ्रिज से निकाला था. यूजुअली आई वुड सजेस्ट टू कीप इट इन रूम टेम्परेचर फॉर अ वाइल. एंड ये ध्यान रखें कि आप उसको ठंडा ठंडा ना यूज करें. व्हेन यू मिक्स इट नाइसली, अगर आपको लगता है वो बैटर थिक है तो आप थोड़ा सा पानी डालें. थोड़ा थोड़ा करके ही डालना क्योंकि इडली का बैटर ज्यादा पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है. आफ्टर यू हैव डन दैट द चॉइस इज टू पुट सॉल्ट, जो मैं डालती हूँ. आपकी मर्जी है, डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो. लेकिन उसको आप अराउंड 10-20 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए साइड पर रखते हैं. जब आपकी इडली का बैटर 10-20 मिनट्स तक रेस्ट कर रहा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, सूजी और दही थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उतने से टाइम में. 10-15 या 20 मिनट ये आपकी चॉइस है. जब तक वो तैयार होता है हम यहाँ पे इडली का ढांचा जिसे कहते हैं इडली मेकर, उसको तैयार कर लेते हैं. द ओनली वन स्टेप दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस वन इज थोड़ा सा तेल लगाना. आपकी मर्जी आप कितना तेल लगाओ. मैं बीच में तेल लगाती हूँ और साइड्स में भी लगाती हूँ ताकि इडली आराम से बाहर निकल आए जब वो रेडी हो जाएगी. साइड में मैंने रख दिया है एक पतीले में पानी बॉयल होता हुआ, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. अब हम एक और स्टेप है, जो 3rd इंग्रेडिएंट है हमारा, वो मुझे यूजुअली आई विश मैं थोड़ा सा उसको ना यूज करती, लेकिन इंस्टेंट है, कोई ओवरनाइट सोकिंग नहीं है तो ठीक है, थोड़ा सा हम डाल सकते हैं. वो है बेकिंग सोडा. यहाँ पर मैंने इनो डाला है थोड़ा सा, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो. थोड़ा सा सोडा डालोगे ना तो इडली वो फूलेगी, वरना इडली आपकी फूलेगी नहीं. तो आप उसको अच्छे से मिक्स कर दो. द ट्रिक हियर इज सोडा आप पहले ना डालना, आप जस्ट राइट बिफोर यू पुट इट इन द इडली मेकर सिर्फ तब डालना. मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालती हूँ क्योंकि मुझे छोटी छोटी इडलियां पसंद है, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से बैटर डालें, अपने हिसाब से आपका इडली मेकर जैसा है वैसे बनाएं. सबके इडली मेकर अलग होते हैं, किसी के ज्यादा डीप होते हैं, किसी के थोड़े कम डीप होते हैं. मेरा वाला जो है वो बहुत कम डीप है, तो आप जब एंड में देखेंगे मेरी इडली थोड़ी सी छोटी सी होगी, बट आई लव इट दैट वे. हल्की सी होती है और आप ज्यादा इडलियां खा सकते हो जितनी छोटी होती है, ज्यादा हैवी फील नहीं होता. अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने जब आपको पहले कहा था कि मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, पानी का लेवल थोड़ा कम रखें, ज्यादा कम नहीं वरना वो सूख जाएगा. थोड़ा कम रखें, जब वो एकदम बॉयल पे आ जाएगा तब आप इडली का मेकर जो है, इडली का ढांचा, वो उसके अंदर डाल दें. डालते ही उसको एकदम अच्छे से ढक दे क्योंकि उसके प्रेशर से ही वो इडली राइज होगी और बनेगी. गिव इट 10 मिनट्स. आई वुड सजेस्ट नॉट मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में वो बन जानी चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके गैस की हीट थोड़ी कम है
तो आप 10 की बजाय उसे 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप हाई पे जब बनाएंगे यूजुअली 10 मिनट्स में आपकी इडली तैयार हो जानी चाहिए। तो आप उसको बीच में एक बार चेक कर लें, लेकिन ज्यादा देर के लिए ना खोलें। अगर आपको लग रहा है आपकी इडली हैज नॉट रिजन, वो ऊपर को नहीं आई है, तो आप उसको थोड़ी देर और प्रेशर कुक होने दें उस ढक्कन को लगा के। एंड ये चीज जरूरी नहीं है कि आप ये इडली मेकर जैसा मेरा है उसी में करो, आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो, आप किसी और पतीले में भी कर सकते हो जिसको आप एकदम अच्छे से ढक सको। मेक श्योर नीचे पानी हो और इडली थोड़ा ऊपर उसके रखी हो। इडली पानी को टच नहीं होनी चाहिए, वो बैटर पानी को टच नहीं होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। तो जब आपकी इडली तैयार हो गई है, अब मैंने यहाँ पे उसे रखा था फॉर 10 मिनट्स, मेरी इडली तैयार हो गई है, मुझे पता चल जाता है जब वो तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं उसे निकाल रही हूँ। मेक श्योर करें जब आप उस इडली को निकालें, गरम गरम इडली मत निकालना, वरना वो टूट जाएगी या चिपक जाएगी और बिल्कुल खराब हो जाएगी। उसे अच्छे से ठंडा होने दें, ज्यादा टाइम नहीं लगाती वो ठंडा होने के लिए, 5 मिनट में तैयार हो जाती है। उसे ठंडा होने के बाद ही, यहाँ पे मैं नाइफ का जो उल्टा हिस्सा होता है वो यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर इडली स्कूपर है जिससे हम चावल निकालते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, बटर नाइफ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से कॉर्नर से, आपने अगर देखा होगा मैंने जो मेंशन किया है, मैंने कॉर्नर्स पे तेल लगाया था तो वो चिपकी नहीं है वहां, तो मैं उसे आराम से स्कूप करके निकाल रही हूँ। इडली को जब आप एक कंटेनर में रखते हो तो इमीडिएटली मत ढकना कंप्लीटली उसको, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ी स्टीम होती है, तो वो स्टीम निकलने देना वरना इडली पानी छोड़ने लग जाएगी। तो जो भी आप कंटेनर में उसको रखते हो उसे थोड़ा आधा ही ढकना, पूरा नहीं ढकना। यहाँ पर आपकी इंस्टेंट रवा इडली विच इज ऑल्सो हेल्दी is ready. This entire process will take you about 15 to 20 minutes. That's it. एक बार आप used to हो गए, ये मेरा go-to है। मैं सिर्फ इडली नहीं, मैं उत्तपम भी ऐसे ही बनाती हूँ, और मैं आपको next time hopefully उत्तपम की recipe बताऊंगी जो इससे भी ज्यादा थोड़ी तेज बन जाती है actually. जरूर try करें and मुझे जरूर बताएं आपको ये recipe कैसी लगी। It's healthy, it's delicious. So definitely give it a try. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting my channel. Please subscribe if you haven't. We're already at 800 subscribers. I am so happy. Thank you very much. Do not forget to live, laugh, eat idlis and eat a lot of potatoes. I will see you next Friday.